आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। जनपद देहरादून में दिवाली के महोत्सव पर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं प्रतिभाग करती हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं अपनी स्टॉल्स लगाती हैं, जिसकी लोग जमकर खरीदारी करते हैं। देहरादून में दीपावली पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एवं स्वयं के प्रोडक्ट तैयार कर मेले में स्टॉल लगाती हैं, जिससे वे जैविक मसालों और सर्दी के वस्त्र व मोमबत्ती जैसी चीजें तैयार करती हैं, जिनको बाजार में खूब पसंद किया जाता है। नई आशा स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हूँ और हमारे समूह ने आज मेले में यहाँ स्टॉल लगाई है। इसके लिए मैं ये मेले वालों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेले हमारे भारतीय संस्कृति की हमेशा से पहचान रहे हैं। हमारा समूह हमेशा कुछ ना कुछ बनाता रहता है। पहले भी हमने यहाँ मसाले वगैरह भी लगा रखे हैं और दिवाली के लिए हमने बहुत खूबसूरत सुगंधित कैंडल बना रखी है और हमने ये बास्केट भी बना रखी है। इसलिए हम लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप जो महिलाएं ये बना रही हैं, महिलाओं के बनाए हुए उत्पादों को खरीद के उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। वहीं लोगों से उनकी अपील है कि कोरोना ने हम सभी को बहुत कुछ सिखाया है। हम सभी को अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जैविक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे लोकल फॉर वोकल को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। जोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं।